नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट 4 मार्च को आ गया था। आपको नॉर्मलाइजेशन को लेकर के काफ़ी समस्या थी लड़कों को, तो आज आरआरबी ने 10 मार्च को आपके एक्चुअल मार्क बता दिए। आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, कितने गलत किए थे, कितने आपके एक्चुअल मार्क रॉ मार्क कितने थे, ये सभी चीज़ें आज आरआरबी ने बता दी हैं। तो इसी तरह की जानकारियाँ मैं आपको पल पल की अपडेट अपने चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। तो जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए आए वो क्या करिए, देखिए वीडियो चल रहा होगा उसके नीचे अगर आप जा करके देखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को लाल रंग के सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इसको आप लोग दबा दीजिएगा, लाल से काला हो जाएगा और बगल में लगे नोटिफिकेशन बिल को अवश्य दबाइएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए चलते हैं कहाँ पर आपको लिंक हम देने वाले हैं, वहाँ पर आप लोग देख लीजिए। देखिए, हम आपको लिंक देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो फॉर्म आपको यहाँ पर खोलकर आपको आ जाएगा, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और अपने यूजर आपको मतलब यूजर पासवर्ड मतलब आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जहाँ से आप लेना चाहते हैं वहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन फिर से करने का, मास्टर क्वेश्चन पेपर भी आपको दिया जा रहा है इंग्लिश में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यूजर आईडी हम डालते हैं आपके एक स्टूडेंट की और उसके बाद एक पासवर्ड डालते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा खुलकर फॉर्मेट आ रहा है और आप लोग भी बताइएगा आपको रॉ मार्क कितने दिखा रहा है आपका और नॉर्मलाइजेशन मार्क आपको कितने दिखा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं कि स्टूडेंट का हम लोग डालते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। तो देखिए, हमने एक डाला है आपके लिए, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम छुपा दिया गया और टोटल नंबर आप क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं 89, मतलब स्टूडेंट ने 100 क्वेश्चन में से 89 अटेम्प्ट किए थे, उसके बाद 72 क्वेश्चन उसके सही हुए हैं, ये आपका रेलवे ने बताया जा रहा है। आज के आपके 10 तारीख की रिपोर्ट है, ये आपका सब कुछ बताया जा रहा है। 72 क्वेश्चन आपने सही किए थे, 17 क्वेश्चन गलत किए गए थे, इसके बाद 4 क्वेश्चन आरआरबी ने हटा दिए थे मतलब इग्नोर कर दिए गए थे, मतलब आपके 100 क्वेश्चनों में से 96 क्वेश्चन ही आपके वैलिड थे। तो आपके 96 क्वेश्चनों में से हमारे 66 नंबर आ रहे थे, मतलब 4 क्वेश्चन इग्नोर करने पर और हमारे 17 क्वेश्चन गलत करने के बाद हमारे 66 नंबर आ रहे थे। इसके बाद क्या हुआ है, प्रोरेटेड मार्क मतलब आउट ऑफ 100 में से 4 क्वेश्चन जो आरआरबी ने हटा दिए थे उसके आपको नंबर मिलेंगे, उसके नंबर हटा दें क्योंकि आपने उसमें भी समय वेस्ट किया होगा और उसमें भी आपके कुछ नंबर बढ़ रहे होंगे। तो उससे क्या होता है कि सबको वो मार्क दिए जाते हैं, तो ये 69 नंबर आपको मिले होंगे। इसके बाद यहाँ पर से आपको आपके ये रॉ मार्क से आपको ये यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आपको मार्क मिलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 69 से 82 नंबर, लगभग 13 अंक आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद मिले हैं। ये आपको नॉर्मलाइजेशन इस हिसाब से मिलता है कि जैसे कि आपका पेपर कठिन आएगा तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, उसके उस शिफ्ट के पूरे का औसत देखा जाता है और टॉप टॉप के जो स्टूडेंट होते हैं उनके नंबर देखे जाते हैं। तो बहुत बड़ा सिस्टम है नॉर्मलाइजेशन का, फार्मूला भी रेलवे ने अभी आपको दिया था, मैंने आपको बताया भी था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट लिस्ट फॉर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यस है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आरआरबी ने सब कुछ क्लियर करने का प्रयास किया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि आपके नंबर कम हुए हैं या रॉ मार्क से ज़्यादा हुए हैं, तो आप लोग जरूर बताइएगा। और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में उसे कहिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और क्वेश्चन पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक आंसर की का ऑप्शन आएगा और एक आपके एक्चुअल मार्क के ऑप्शन आएंगे, दो ऑप्शन आएंगे वहाँ पर, जहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपको आंसर की भी दिख जाएगी। बस यही था वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने नंबर बताइएगा। धन्यवाद।